चेस अप में सामान उठाने के लिए बच्चों के लिए अपने साथ ले जाना है और कौन कौन सी चीजें हैं दिखा रही हूँ। हम लोग होटल वगैरह देख रहे हैं ले जाने के लिए। अच्छा वो सला नहीं आया, सला वरना ये कैमरा वाला उठा लेता। माशाल्लाह अच्छी अच्छी क्वालिटी है। तो पजामा दूर गए सामान देखते हैं। हाँ मैंने सामान ले लिया है और ये बहुत ज़बरदस्त स्लीपर मैंने लिया हुआ है, वहाँ पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस वेट कर रही हूँ मेरी सिस्टर आ जाए क्योंकि कुछ सामान लेने गई है। भैया पे आउट कर दूँ। यहाँ से हम लोग फारिग होकर घर की तरफ जा रहे हैं। पिक्चर चाय वाले उसके बाद चाय चाय के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं। मैंने कहा बात नहीं करूँगी, कैसे कहूँगी मतलब रक्षे वाले को बोल के हम लोग चाय मंगवा दी अपने लिए। मेरी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं पैकिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह सारे मतलब खाने की चीज़ें इस सूटकेस में मैंने डाल दी हैं, जिसमें मैंने बिस्किट केक यहाँ पे इनके कोकोमो मोकोमो जेली वगैरह जो भी है यहाँ पर सारे मैंने रैपल्स ये सारे दूध वगैरह मैंने रैयान के इसमें डाल दिए हैं, मतलब ये खाने वाली सूटकेस है। और मैंने लिया हुआ है यहाँ पे रैयान के लिए पैंटी, वो भी बच्चों का वहाँ पर पैंट वाला जो डायपर है ना वो बहुत अच्छा मतलब हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। वो है क्योंकि मैंने व्लॉग्स देख चुकी हूँ, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इस तरह के डायपर्स रहें जिसमें इजी रहेगा उतारने और पहनने में। ठीक है, मैं इनके साथ फ्लाई कर रही हूँ। और यहाँ बड़ा वाला सूटकेस है जिसमें मुझे कपड़े वगैरह सारे डालने हैं और ये मैं करती जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने अपने कपड़े उठाए हैं, तकरीबन मैंने 4 जोड़े उठाए हैं। ठीक है कपड़े अपने, और यहाँ जो है मैंने अपने लिए ट्राउज़र उठाई हुई हैं और इनको इस तरह मैंने पैक किया है ताकि इनका इस्त्री भी ख़राब ना हो, लेकिन मैंने इस्त्री उठाई हुई है। और यहाँ मेरे स्कार्फ हैं और ये सारे अबाया हैं मेरे, अबाया जो है। मैंने बेबी बैग भी बना लिया है ऑलरेडी। यहाँ कुछ खाने की चीज़ें मैंने उठाई हैं, सला और रैयान के लिए तो चिप्स उठाई है, यहाँ पे पीटर सला रैयान का सॉरी मैं दूध डाल के रखूँगी और बॉटल उठाऊँगी। ये कपड़े हैं और पैम्पर मैंने डाल चुकी हूँ आई थिंक यस, लेकिन नहीं डाला है। देखो बच्चों ने पागल बना दिया है और वीडियो बनाते हुए मैं 2 पैम्पर ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मैंने डाले हुए थे और रैयान ने निकाल लिए। या मुझे इसीलिए सब कुछ देख दार के सब कुछ उठाने हैं क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है और लास्ट मिनट में मुझे सब कुछ चेक करना है। और रैयान और सला के लिए मैंने सामान उठाई है और ये क्रीम रैशेस क्योंकि मैं पाउडर यूज़ करती हूँ लेकिन हैंड लगे जाए ना इसमें अलाउ नहीं होगा फ्लाइट में, तो या मैंने क्रीम वो मेसलिन उठाई है। तो 2 पैम्पर मैंने उठाए हैं क्योंकि लग वो हैंड कैरी में, क्योंकि हैंड कैरी में ऑलरेडी मैंने पैम्पर डाल चुकी हूँ क्योंकि मेरा स्टे है दुबई में, तो इस वजह से पैम्पर। यहाँ मैंने वाइप्स रखी हुई हैं, पैम्पर रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं और खाने की चीज़ें रखी हुई हैं और तो, और इस तरह के फेस टॉवल उठाए हैं मैंने। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये इस टाइप के मैंने जोराब उठाए मतलब के मोज़े, और ये क्योंकि समर में इस तरह के मैं पहनाती हूँ बच्चों को, तो दोनों के लिए मैंने एक एक वो लिया हुआ है। ठीक है ये हो गया बेबी बैग मतलब के तैयार। और यहाँ मैं रखूँगी बॉटल्स और यहाँ है पानी का, और यहाँ सला और रैयान के लिए मैंने पानी के लिए बॉटल उठाई हुई है। ठीक है और यहाँ जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ मैंने सारे लिस्के लगे हुए हैं, लगाएं इसलिए क्योंकि ये लीक ना हो और कोई सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे सब कुछ, मगर है रियाल और रुपीज़ में फ़र्क, तो इसलिए मैं यहीं से लेकर जा रही हूँ। या डोंट जज। तो यस या ये है लिक्विड बॉटल वॉश करने के लिए, ये हैंड वॉश करने के लिए, और ये है ऑयल। हैंड वॉश हर जगह अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए मैंने उठाई है क्योंकि बच्चे साथ हैं उनकी नेपीज़ वगैरह। मैंने ग्लव्स भी उठाई हुई हैं बच्चों के नेपीज़ वॉश करने के लिए क्योंकि ये ऐसा सफ़र है जहाँ मुझे बावजू रहना है, ऐसा सफ़र नहीं है कि मैं हर चीज़ मतलब उठाऊं। और ये मैंने लंच बॉक्स छोटा सा इसलिए उठाया है क्योंकि जाते हुए मैंने इनके लिए सैंडविच बना के ले जाना है,
क्योंकि फ़्लाइट के बच्चे पता नहीं खाते या नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इनको नहीं खिलाऊंगी। इस तरह के ग्लव्स मैंने इसीलिए उठाए जब मैं जो नेपी चेंज करना हो तो मैं अपने हाथ में करूँ, ताकि मेरा वज़ू भी ख़राब ना हो और मेरे बच्चे भी बसकून जा सकें। और ये रहा, मतलब कि मैं खुशबू वाले वाइप्स यूज़ नहीं कर सकती, तो ये मैंने इसलिए उठाई। इसमें मैंने सैंडविच डाल देना है, पेट खराब ना हो, तो इस वजह से यहाँ मैंने अपने पैसे छुपाने हैं। तो ये साइड है, ठीक है। ये इस तरह के बैग ना बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने वापस से ले लिया है, पहले था मेरा वो मतलब ख़त्म हो चुका है, बकुल बलोचन का झंड गुत्ता, तो यह मैंने इसलिए नया वाला लिया है। तो यहाँ मैंने अपने लिए शैम्पू भी उठाई हुई है। वीडियो बहुत लंबी होनी है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और ये मैंने एक सॉफ्ट उठाया, मतलब कि साबुन, ये मेरा कंडीशनर, और ये है पेस्ट, और ये है मेरा ब्रश, और ये मेरा है बेबी का मतलब शैम्पू, क्योंकि वहाँ उनको तो गंजे है करना है, तो इस वजह से मैंने बस ये उठाया है। और ये है मेरा मतलब कि एमआई फेस वॉश, या इनको मैंने पैक करके रख देना है। और सूटकेस की हालत कुछ इस तरह हो चुकी है, मैं सोच रही हूँ इसको किस तरह पैक करूँ, क्योंकि मैंने डायपर भी ले लिया हुआ है, अच्छा सा अच्छे खासे मैंने डायपर लिया हुआ है। या वहाँ पर पता नहीं क्या सीन होगा, अल्लाह आलम, मिलेगा तो मिलेगा वहाँ पर, लेकिन मैंने आफ जो है यहीं के लिए रखा है, और ये आफ मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ क्या सीन होगा। और एक स्लिंग बैग भी उठाया है, जिसमें मैंने अपने अभी से वहाँ जब इंशाल्लाह पहुँचूँगी तो वहाँ सारे मेरे मतलब के जैसे कि कैंची, ये एंड कैरी में अलाव नहीं है, ये सब कुछ मैंने रख दिया, ताकि मैं एयरपोर्ट क्या बोलते हैं होटल पहुंचूंगी इंशाल्लाह से खैर से, तो वहाँ मैं ये डायरेक्ट निकाल के पहन के निकल जाऊंगी अपना उम्रा अदायगी के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ मैंने कबूतरों के लिए इस तरह के पैकेट बनवाई हैं, इंशाल्लाह जब वहाँ जाऊंगी तो इनको सारा दूंगी और आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और 5 मैंने मक्का के कबूतरों के लिए, और 5 मैंने मदीना के कबूतरों के लिए इंशाल्लाह। तो यह और ये है बेबी, मतलब के रियान के लिए मैंने उठाया है। बच्चों के साथ यही होता है कि इनको किस तरह मुझे हैंडल करना है, तो इनको इस तरह से बंद होता है। और ये मैंने लिया है काका गारमेंट से 2400 में, ठीक है 2470। या मुझे ना उर्दू नहीं आती है, आप लोगों को पता है, मगर फिर भी मैं बात कर रही हूँ। और ये है मतलब रियान का, ठीक है। और रियान और सलाह के कपड़े मैं इस तरफ कर रही हूँ, मैंने कहा आप लोगों के साथ ही मैं पैकिंग करूँ, लेकिन इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ, छोटा सा मैंने बैग उठाया है, शायद वहाँ पे मुझे काम आ जाए। और ये मैंने उठाया है, कभी कभार ऐसे बेड भी मिल जाते हैं बच्चों के साथ, तो इनको मतलब रख के इनको खाना खिलाने के लिए, ठीक है। और ग्लव्स मैंने रीज़न बता लिया कि मैंने क्यों उठाई है, बच्चों की नेपीज़ वॉश कर। यहाँ मैंने अपने जॉगर्स उठाए हैं, वो भी यूज्ड टू है, मैंने नया नहीं लिया है, क्योंकि ये कंफर्ट है, तो इसलिए मैंने यही उठाए हैं, नया ले लूँ और वहाँ जाऊँ मेरा पाँव में लग जाए, तो इस वजह से। ये रियान ने डाल दिया, देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ, सब कुछ मुझे चेक चाक करके ले जाना है कि रैशेज पाउडर, ठीक है। और ये मेरा बॉटल है जो मैं नहीं उठा रही, वहीं जाऊंगी इंशाल्लाह फिर उठाऊंगी। ये पीछे का जो चप्पल वाला बैग है, जो हम लोग उमरा करते हुए जाते हैं तो ये वाला उठाते हैं, तो इसमें मैंने डाल दिया है रियान का नेबुलाइज़र, ठीक है ना। नेबुलाइज़र भी दिखा देती हूँ, अभी किसी ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा उनको तो नहीं पता होगा कि मैंने नेबुलाइज़र भी लिया हुआ है। ये देखो मेरे बच्चों का हाल, मतलब अपने टॉयज भी नहीं छोड़ना इनको यहाँ पर, ठीक है। मैं उठा लूँगी कुछ टॉयस, इसलिए उठा ली हूँ ताकि उनको वहाँ बिज़ी रखूँ। इस बार मैं बच्चों के साथ लंबा, मतलब मेरे सामान बहुत ज़्यादा है, मैं फील कर रही हूँ। खैर ये जो है मैं अपने साथ ले जाऊँगी, और इसको मैंने इस टाइप रखा है जब वहाँ पहुँचूँगी चप्पल डालने के लिए, ठीक है। और ये ब्रश है किसको वॉश करने के लिए, बॉटल वॉश करने के लिए मैंने लिया था, वो भी मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है। और बस यही, और बाकी मैं पैक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। वो कपड़े हैं मेरे, ये रियान सलाह के सारे पैक करके कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ है खाने की, और यहाँ मैंने चीज़ें उठाई हैं, और ये क्लिप मैंने इसलिए उठाई है वहाँ जब पहुँचूँगी तो एंग कब अपने अबाया एंग करने के लिए। और यहाँ सारे कुछ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत वो हुआ था अपने अबाया एंग करने के लिए नहीं था। और ये मैंने
वो लिया हुआ है, स्ट्रिप लिया हुआ है 550 काका से, दो लिया हुआ है क्रेयन और एक सलाह के लिए, इनको भी मैं यहाँ लाया हुआ हैंगर, और ये बच्चों के लिए, इसलिए मुझे ना एक व्लॉगर देखा मैंने यूट्यूब में, उन्होंने कहा अगर बच्चे साथ हैं ना तो इस टाइप के एंगल लो ताकि सारे कपड़े वॉश करके इनका, इसके लिए मैं जा रही हूँ 20 डेज़ के लिए, तो इसलिए मुझे वॉश करने का तो होगा क्योंकि मैं कपड़े बहुत लिमिटेड लेकर जा रही हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर जा रही हूँ, तो हैंगर मेरे सारे, इस वजह से जब वापस ही मैं आऊँगी तो हैंगर छोड़ भी दूँगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करूँगी सब सामान जो लेकर जा रही हूँ वो सब लेकर आ जाऊँ। अब मैं इनको पैक करके आपको दी और बताती चलूँ, मैंने एक केटल भी उठाया है अपने साथ, केटल ज़रूरी है खासकर हम देसी लोगों के लिए चाय के लिए, अपने हाथ की चाय, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, चाय भी मिलता है लेकिन टी बैग वाला जो कि हमें नहीं पसंद। और मैं एक आयरन भी लेकर जा रही हूँ, आयरन इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे लास्ट टाइम कपड़े सारे किचकुचाड़ हो गए थे तो इस वजह से मैं आयरन ले जा रही हूँ, अगर किसी को मतलब साथ, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। हाँ, मैंने दवाइयाँ भी रियान और सलाह के उठा लिए हैं, रियान को थोड़ा सीने का मसला है, वहाँ कांसी कब इशू होता है क्योंकि मैं गई हूँ लास्ट टाइम तो मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो या मैंने ये उठाई है डॉक्टर के रिकमेंड से, डॉक्टर ने ये लिख कर दिया है और ये लिख कर दिया है, मैंने कहा बहुत सारी दवाइयाँ लिख कर दो ताकि मेरे बच्चे के अगर ये एक दवाई ना लगे तो दूसरी लगे, क्योंकि मैं बहुत वेमी इंसान हूँ, ठीक है। ये जॉर्डन दिया हुआ है ज़ुकाम के लिए, और ये है मतलब कांसी ज़ुकाम, और सॉरी वो नहीं सीना जाम होता है ना खर 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 आवाज़ का, तो उसके लिए ये है मतलब बुखार के लिए, क्यूप्लेक्स लिया दिया हुआ है उन्होंने मतलब के पेट मोशन के लिए, ठीक है, और एक दवाई जो नहीं मिला है वो मैं लूँगी, और ये भी मतलब इसको जब भाई मतलब जब दमा टाइप होगा ना तो इसका यही होता है कि मैं इसको आफ पानी में डाल के रियान को देती हूँ, ये वाला भी, तो ये सारी चीज़ें जो एरिने के ज़ुकाम के लिए मैंने उठाया हुआ है को मैंने अब किस जो बच्चे यूज़ करते हैं, जिनके बच्चे हैं ना वो यूज़ करते हैं उनको पता है, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ मैं लेकर जा रही हूँ, फ्री हेल्थ है क्योंकि वहाँ सब कुछ मिलता है, पेरीटोन है अपने लिए उठाया है खासकर मैंने क्योंकि वहाँ कांसी का बहुत इशू था, और एटम जो के ने और कल्पोल है, कल्पोल के साथ सनी प्लस, ये सारी चीज़ें मैंने उठाई हैं बच्चों के, ठीक है, और बस यही दवाइयाँ मैंने उठाई हैं, और अपने जो मैंने पर्सनल टेबलेट है विटामिन्स वगैरह के वो मैं इस पैक में डालूंगी, वो क्या, और रियान को मैंने भिजवा दिया, वल्लाह उसने तो मेरा क्या बोलते हैं ना नेम सर आपको, तो आयरन को मैं इसमें डाल दूंगी और सारा पैकिंग करूंगी, सारा पैक हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसके बाद मेरा एयरपोर्ट की वीडियो आएगी, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मुझे फॉलो करें सब्सक्राइब करें। वो सूटकेस मैंने पैक करके साइड कर लिया, उसको अभी हाथ नहीं लगाना, अब बस ये बचा है, वो बैग बचा है, और ये अभी मुझे इसको पैक करके सेट करके वेट करके उस वहाँ पे रखना है, और वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं क्योंकि मेरी ज़रूरत की हैं, तो इनको भी डाल दूँगी, और मेरा सॉरी ये एंड कैरी मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, मैंने सोचा दिखा दूँ, और ये मैंने देखकर जाना है एयरपोर्ट पे, और ये मैंने चार मतलब डायपर उठाए हुए हैं, चार मैंने डायपर उठाए हुए हैं, एंड लगेज में ही डाल रही हूँ क्योंकि यार बच्चों में ना मुझे वहम बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और ये मेरा अहराम का है कैप, और ये मेरा अहराम है, वहीं पर दुबई में जब हमारा स्टे होगा तो मैं वहीं पे पहनूंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सब होगा, ठीक है, मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे, और ये रहे मेरे शूज़ मैं आपको दिखा दूँगी, ये मैंने अहराम के लिए लिया है, नियत में वहीं वहाँ पहनूंगी क्योंकि सिलाई किए हुए नहीं हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट, ये मैंने चेसअप से लिया हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो अभी है क्योंकि आज की तारीख है 1 अक्टूबर, तो इस महीने आप लोगों को अक्टूबर के महीने में ये आप लोगों को मिल जाएगी अहराम अल्लामा सदके, ठीक है, और बच्चों के बिल्कुल ही फ्रेश मतलब अनयूज चप्पल है, कोई जज ना करे कि चप्पल और अहराम एक साथ हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही साफ सुथरे दुकान से ही लेकर आई हूँ, ये हैं रियान के क्योंकि रियान के लिए मैंने इस तरह के नहीं लिए, वो निकाल लेगा, ये है सलाह के, मेरी नियत फुल है, बस अल्लाह कबूल करने वाला है, और रियान का तो बस नसीब है उम्रा करने जा रहा है
लोग बोलते पैसा ख़राब किया है, तो शायद उसके नसीब में ही पैसा आ गया था, वो जा रहा है। ये सलाह का चादर मतलब ओढ़ने वाला, ठीक है। और इनका मैंने लास्टिक डाला हुआ है क्योंकि ज़रूरी था, लास्टिक के बगैर मैं इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने इसमें लास्टिक डाल दिया है बच्चों का। ये है आई थिंक रयान का, और नीचे है सलाह का, और ये है सलाह का, ठीक है ना। जब पहनाऊँगी इंशाल्लाह दिखाऊँगी आप लोगों को, पिक्चर भी दिखाऊँगी, वीडियोस भी दिखाऊँगी। और मैंने ये बनियान भी उठाई है क्योंकि सलाह थोड़ा बहुत मिनी मिनी कर रहा था, और इनके लिए मैंने एक एक जोड़ा यहाँ पे डाल दिया है हैंड कैरी में, क्योंकि बच्चे हैं। मुझे मुझे पता नहीं क्यों, अरे माँ पता नहीं इस तरह है, कमेंट बॉक्स में बताएं, या सिर्फ मैं ही वहमी इंसान पैदा हुई हूँ, या मुझे इस तरह से बनाया है, खैर अल्लाह ने। और यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ अंदर, क्योंकि अपने स्लीपर मैंने डाले हुए हैं और अपना हैराम मैंने डाला हुआ है, ये सब कुछ ठीक है। ये हो गया एंड कैरी मेरा, हो गया पैक, एंड कैरी भी डन है मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सूटकेस भी, खाने पीने वाला सूटकेस, उसका नाम मैं रखूँगी खाने पीने वाला सूटकेस। और ये एंड कैरी ख़त्म, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं जाएगा, दैट्स इट, ये भी डन हो गया, ठीक है। मेरे दो सूटकेस कंप्लीट, अब बस बचा है मेरा अपना, इसमें सारे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ फला बना रही है ब्रेसलेट, जो कि वहाँ मदीना में जाएंगे ना, तो ये इंशाल्लाह बच्चों को देगी, बच्चों के हिसाब से बना रही है। और मैंने बोला एक मेरे लिए बनाना, देखते बनाती है, और ये सारा कुछ इसने खुद लिया है और खुद बना रही है माशाल्लाह। तो इसका एक्साइटमेंट यही है माशाल्लाह से फला की, और वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी व्लॉग आप लोग देख लेना इंशाल्लाह। यहाँ तैयारियाँ हैं हमारी उम्रा जाने की। और यहाँ दाहिम बैठा हुआ है माशाल्लाह, पहले से ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ कुछ अपना काम कर रही हूँ। ऐसे हमारे जो है पासपोर्ट आ चुके हैं, और हम लोग तकरीबन माशाल्लाह से 6 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 3 बड़े हैं। और यहाँ जो कि मैं अपने पासपोर्ट रख रही हूँ, और आज से इंशाल्लाह हमारी तैयारी ख़त्म, और बस सफ़र स्टार्ट होगा। अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी का सारा ब्लॉग आप लोग फुल देख लें। उसे सोचा एक बात शेयर कर लूँ, ये है नुसुक ऐप, देख लें, इसको डाउनलोड करें और रियाज़ुल जन्ना के लिए अप्लाई मतलब करने के लिए, ठीक है। आप लोग यहाँ आएंगे तो अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाना बिल्कुल इजी है, उसमें आपको लोगों को पासपोर्ट, अगर किसी को नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च कर लें कि न्यूसअप ऐप का अकाउंट बनना कैसे होता है, वहाँ सब कुछ है। और अप्लाई करूँगी परमिट के लिए, ताकि मुझे परमिट मिले। और मदीना कब जाना है, क्या क्या है, तो उसके लिए मैं देख रही हूँ। देखो परीसा मोहम्मद ठीक हो गया, अब यहाँ जो है बुकिंग करवानी है मुझे इंशाल्लाह। वो जो ग्रीन ग्रीन लाइन है ना, वो सब अवेलेबल है, फ्राइडे को देखो सब ऑफ है, उसमें रेड लाइट लगी हुई है, ठीक है। जो ग्रीन है ना, उनमें से मैं कोई सा भी डेट मतलब ले सकती हूँ रियाजुल जन्ना में जाने के लिए इंशाल्लाह। 14 को इंशाल्लाह हमारी रवानगी है मदीना में, तो 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, क्योंकि 24 तक हम लोग वहाँ हैं, तो हमारे पास 10 दिन हैं, तो इन 10 दिनों में मुझे और मेरी बहन को दोनों को सेम डेज देख रही हूँ, उसका भी अकाउंट बना के फिर हम लोग सेम डे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये ज़रूर करके जाएँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। हमारा कल का सफ़र है इंशाल्लाह, और ये सलाह रयान के लिए, सॉरी फरीन लेकर आई है माशाल्लाह से, ये मेरी छोटी सी कज़न है, और ये रयान के लिए स्पेशल गुडी बैग बना के लेकर आई है। और ये इस बैग में मैंने सारे अहराम वगैरह सब कुछ डाल के पैक कर लिया है। और ये मेरे भाई का अहराम है, इनको डाल के, ये एंड कैरी है इनको, मतलब क्योंकि दुबई में और शारजा में, सॉरी शारजा एयरपोर्ट में हमारा स्टे है, वहीं हमारा इरादा है इंशाल्लाह से हम अपना एहराम की नियत करके एहराम वगैरह बांध देंगे, बच्चों के भी और बड़े के भी। और ये रहा रयान का बैग, भी पैक हो गया, और यह उस कमरे में, बस हमारी तैयारी इतना ही। और इंशाल्लाह अभी एयरपोर्ट के कपड़े रेडी करती हूँ, चलते हैं।